तीर्थ नगरी वृंदावन में रविवार को नरसिंह जयंती की धूम रही। भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान के प्राकट उत्सव पर सुबह से ही भक्तों में उत्साह दिखाई दिया। सेवायतों द्वारा नरसिंह मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुराना शहर स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। सर्वप्रथम मंदिर के पुरोहित विजय किशोर मिश्र द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारणों के मध्य सेवायतों ने नरसिंह भगवान का पंचामृत से महाभिषेक किया। वहीं विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना भी की गई। विदित रहे कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय हुआ है या भक्तों पर अन्याय हुआ है, तब तक भगवान नारायण ने अवतार धारण करके भक्त और धर्म की रक्षा की है। ऐसा ही एक अवतार विष्णु ने वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को लिया था, जिसे नरसिंह अवतार के नाम से जाना जाता है। भगवान की पूजा कर विशेष वरदान पाने वाले हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर साधु संत और मनुष्य और पशु देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप जानता था कि प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही भक्त प्रह्लाद पर तलवार उठाई, तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। तभी से नरसिंह भगवान के प्राकट्योत्सव की परंपरा चली आ रही है। इधर नगर के मंदिर में चल रहे विभिन्न अनुष्ठानों का लाभ अर्जित करने को देर शाम तक नरसिंह मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं भगवान नरसिंह के प्राकट्योत्सव के संबंध में पुरोहित विजय किशोर मिश्र ने जानकारी दी। शुक्ला चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र में श्री नृसिंह जी भगवान का प्राकट हुआ था सायंकाल वेला में। आज नृसिंह जयंती है, नृसिंह चतुर्दशी है। भगवान नृसिंह जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर प्राचीन श्री नृसिंह मंदिर, लगभग 500 वर्ष प्राचीन यह मंदिर है, यहाँ पर नृसिंह भगवान का महाभिषेक हो रहा है। भगवान की प्रार्थना की जा रही है, तप्ता हाटक केशाग्र ज्वलत पावक लोचन वज्रात कनक स्पर्शात दिव्य सिंहम नवोस्तुते। ऐसे जो नृसिंह भगवान हैं, जिनका उग्र स्वरूप है, तीक्ष्ण ओष्ठ हैं और वज्र जिनके नख हैं, ऐसे नृसिंह भगवान का श्री महाभिषेक अटखम्मा पुराणाश्रय निवासी नाम समस्त आवाल वृद्ध वनता नाम समस्त जो व्यक्ति हैं भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक होने के पश्चात में सायंकाल में श्री नृसिंह लीला का आयोजन किया जाएगा। खम्भ फटेगा, खम्भ फटने के बाद में नृसिंह जी नृत्य करेंगे और नृत्य करने के बाद में समस्त मोहल्ले में जाकर के भगवान एका सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। Now the RCMC Group is coming up with an educational institution, elite new generation international school at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.